Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my YT family. Welcome back to my channel. Viewers, आज मैं बड़ी simple सी and unique तो मैं नहीं बोल सकती but बड़ी delicious recipe लाई हूँ. मैं आज dessert बना रही हूँ. हमारी दादी नानी time की recipe है fruit custard. अब आप बोलेंगे शोना इसमें क्या new है, but believe me guys, मैं तो अपनी dish इसलिए नहीं but मैं बोलूँगी you should try this one. अगर आप ये ट्राई करते हो तो ठीक है, जो नहीं करते उनके लिए है. सो यहाँ पे मैंने दूध एंड शक्कर डाला है. एज ऑलवेज ये रॉयल टाइप की है. एज यू ऑल नो, आपकी शोना थोड़ी रॉयल रेसिपीज लाती है. सो ये रॉयल टाइप का फ्रूट कस्टर्ड आप बोल सकते हो, बट बिलीव मी गाइस, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है, माई गॉड. और आज तो हम लोग रमजान में चल रहे हैं तो रोजे में तो एवे में बढ़ाई नहीं करूंगी, बट माई हब्बी लव दिस वन. मैं अक्सर रेसिपीज में बोलती हूँ बट ये वाली उनकी मोस्ट फेवरेट है, फ्रूट कस्टर्ड. सो चले जल्दी जल्दी से बनाते हैं. दूध एंड शक्कर गरम रख लिया है यहाँ पे, और मैंने 3-4 बॉल ऐसे ही रेडी करके रखे हुए हैं. सो सब बॉल में अलग अलग चीजें ऐड की हैं. ये आप देख सकते हो, वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने, जो ठंडे दूध से हम मिक्स करेंगे. ये दूध में उबाल आने लग गई है तो मैं इसे स्लो कर दूंगी. यहाँ पे थोड़े से दूध में मैंने खोया मेल्ट करके रखा हुआ है गरम दूध में. शक्कर थोड़ी सी कम ऐड करना क्योंकि इसमें हम ऐड करने वाले हैं मिल्क मैट रिचनेस के लिए. जो मैं बता रही हूँ वो आप फॉलो करके बनाएंगे ना, आप बोलेंगे रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनी थी आपकी फ्रूट कस्टर्ड. और यहाँ पे मैंने लिया है अमूलिया का दूध पाउडर. जी हाँ, ये भी हमें ऐड करना है. सो खोया मैंने बता दिया दूध में मेल्ट करके रखा है, मिल्क मेट एज इट इज रखना है, मिल्क मेट मिठाई मेट वॉट एवर यू कैन यूज. दूध एंड शक्कर बॉईल हो रहा है, यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स करके रख दिया है, और ये भी ठंडे दूध में अमूलिया पाउडर भी मिक्स कर दिया है. अब इसमें मैं अमूलिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी एंड खोया भी ऐड कर दूंगी. खोया थोड़े से दूध में मैंने मिक्स करके रख दिया था. नेक्स्ट इसमें मैं अमूलिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी. खोया ऐड कर दिया था मैंने, अब ये जो अमूलिया पाउडर है वो भी ऐड कर देंगे. फ्लेम को अभी हमने स्लो ही रखा हुआ है. दूध में बॉईल आ चुका है सो अब मैं ये कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर दूंगी. बिस्मिल्लाह. अब ये कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है कस्टर्ड को, कंटिन्यूसली स्टर करेंगे. तब इसे क्रीम को मैं बॉईल करती हूँ फिर बताती हूँ. मेरी क्रीम रेडी हो गई है, परफेक्ट टेक्सचर आ गया है इसका. सो अब इस टाइम पे मैं इसे ठंडा कर दूंगी, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं इसे, और तब तक हम फ्रूट्स कट कर लेते हैं जो भी फ्रूट्स हमें पसंद हो वो. देखिए हमारी क्रीम अच्छे से ठंडी हो गई है. अब इसमें मैं 1 by 1 सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी. फ्रूट्स मैंने कट करके रख दिया है, और यहाँ पे है हमारा मिल्क मेड. ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कट करके रख दिए हैं, सो ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, मिल्क मेड ऐड करूँगी. एंड एडिशनल एक सीक्रेट टिप पे बताती हूँ मैं इसमें ऐड करती हूँ वनीला एसेंस. देखिए सारे फ्रूट्स मैंने रख दिए हैं, मैंगो, चीकू, एप्पल एंड पोमेग्रेनेट, ये डाल रही हूँ मैं. ड्राई फ्रूट्स एंड कंडेंस मिल्क भी मैंने ऐड कर दिया है. फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ, और एडिशनल मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला फ्लेवर का एसेंस. 1 चम्मच जितना वनीला एसेंस भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ. ठीक है, देखो अपना रॉयल फ्रूट बॉल रेडी है. बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और टेस्ट भी आई एम डैम श्योर बहुत ही पसंद आएगा आप लोग को. अब ऊपर में ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, एज इट इज़ इसको सेट करके सर्व करूंगी. अभी से मैं फ्रीज कर दूंगी इसको, तो इफ्तारी के टाइम तक
ठंडा सा हो जाएगा। और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, सिंपल ये टेस्टी है ये। सो ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सो एंजॉय योर फ्रूट सलाद। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना फ्रेंड्स। देखिए क्लोजअप इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हो, बहुत ही क्रीमी एंड डिलीशियस लग रहा है। सो ज़रूर ट्राई करें इस डिश को। सी यू इन नेक्स्ट अपलोड। बाय बाय।